सरकार ने 2 दिन पहले पोस्ता निकालने की अनुमति दी है किसानों को, तो केंद्र सरकार डोड़ा चूरा भी निस्तारण की नीति बनाएगा और केंद्र सरकार को डोड़ा चूरा निस्तारण नीति बनाना अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी, वैधानिकता के साथ होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी करी किसानों के साथ। 2014 में गजट नोटिफिकेशन किया केंद्र सरकार ने और ये कहा कि 31 मार्च 2015 के बाद देश के अंदर चिराई पद्धति से खेती नहीं होगी। जब केंद्र सरकार ने यह कहा था कि हम अब चिराई पद्धति से अफीम नहीं उगवाएंगे, लेकिन फिर भी 2014-15 में अफीम की खेती हुई और देश के किसानों ने दबाव बनाया कि जब आपने चिराई पद्धति से अफीम नीति बनाई थी तो हमारे डोडा चूरा का निस्तारण करें, तो केंद्र सरकार ने संशोधन किया और राज्य सरकार को कहा कि वो अफीम के साथ डोड़ा चूरा निस्तारण नीति राज्य सरकार करे। और गए ठीक उसी प्रकार जब गए साल की तर्ज पर केंद्र सरकार ने डोड़ा चूरा निस्तारण के अधिकार दिए थे राज्य सरकार को, इस साल भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को संवैधानिक दायरे में डोड़ा चूरा निस्तारण के लिए राज्य सरकार को अधिकृत करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गए साल जब किया था जब चिराई पद्धति से अफीम उगाई थी तो डोड़ा चूरा निस्तारण हुआ, प्रतिबंध के बावजूद हुआ। इस साल 2015-16 में भी केंद्र सरकार ने किसानों से चिराई पद्धति से अफीम उगाई तो अनिवार्य रूप से जो डोड़ा चूरा आज खेतों में खड़ा है पोस्ते की तर्ज पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश देने पड़ेंगे कि वो डोड़ा चूरा निस्तारण करे, और केंद्र सरकार की मजबूरी है कि वो राज्य सरकार को डोड़ा चूरा निस्तारण के लिए निर्देश जारी करे, तत्काल निर्देश जारी करे, अन्यथा किसान लोगों के धोखाधड़ी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, लेकिन उन्हीं के मातहत विभाग जो है वो किसानों की आय समाप्त कर रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके इस साल भी 2015-16 की अफीम चिराई नीति के कारण क्या डोड़ा चूरा का निस्तारण करने की अनुमति देगा? और देना ही पड़ेगा। हमने किसान संगठन ने कानून में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करी उसके खिलाफ एसपी कार्यालय में FIR दर्ज करने का आवेदन दिया है और उस पर कथन भी दे दिए हैं और उस पर कार्यवाही भी संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप लेके शिकायत को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया है और उनको हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। आशंका है कि कहीं ना कहीं इस साल किसान डोड़ा चूरा जलाए नहीं, उनकी मांग मानी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार फंस चुकी है और केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि वो राज्य सरकार को निर्देश दे और 2015-16 का भी डोड़ा चूरा निस्तारण करे।